मैं अजय सिंह तोमर हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने एक नई खबर के साथ। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज। 8 दिसंबर को धरेश्वर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरे मृतक युवक की हुई पहचान। मृतक युवक की शिनाख्त जोधपुर हाल निवासी साजन पुत्र ढलाराम उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए जीआरपी ने परिजनों को सुपुर्द किया। जीआरपी थाना प्रभारी प्रहलाद कुमार ने बताया कि धारेश्वर रेलवे स्टेशन मास्टर से सूचना मिली कि एक यात्री की ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच गिरने से सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर 8 दिसंबर शुक्रवार को मारवाड़ जंक्शन अस्पताल की मोर्चरी में शिनाख्त हेतु रखवाया गया था। शुक्रवार को ही मृतक की शिनाख्त सोशल मीडिया के माध्यम से साजन पुत्र ढलाराम रूप के रूप में हुई। वह मारवाड़ जंक्शन अपनी मौसी के यहाँ रुकता था। साथ ही बता दें कि हरिपुर से मारवाड़ जंक्शन का उसके पास रेलवे टिकट पाया गया था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर परिजनों की भीड़ लगी हुई है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज़ पर, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं तोमर क्राइम न्यूज़ पर। मृतक साजन पुत्र ढलाराम दमामी उम्र 32 वर्ष शादी ब्याह में ढोल बजाने का काम करता था। वह मारवाड़ जंक्शन के अंदर अपनी मौसी के यहाँ रहता था। आप देख सकते हैं यह अस्पताल में है, जो उनके परिवारजन व आस पास के लोगों की भीड़। यह जीआरपी थाने का, आइए थाना अधिकारी ने क्या कहा सुनते हैं। दिनांक 8/12/2023 को वक्त 2 PM पर धारेश्वर रेलवे स्टेशन मास्टर ने जरिए टेलीफोन सूचना दी कि एक व्यक्ति ट्रेन से गिरने के कारण पटरियों पर गिर गया और गंभीर चोट लगने से गंभीर अवस्था में घायल है, जिस पर मैं जाप्ता के रेलवे स्टेशन धारेश्वर पहुंचा। चेक किया तो एक व्यक्ति रेल की पटरियों पर चलती ट्रेन से गिरने के कारण पड़ा था। जिसको देखा संभाला तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसको प्राइवेट साधन द्वारा मारवाड़ जंक्शन हॉस्पिटल में मोर्चरी रूम में शव रखवाया गया। उसके परिजनों का पता किया, पता करने पर मृतक साजन राम ढगलाराम जाति डोली उम्र 33 वर्ष निवासी जगदम्बा कॉलोनी माता का पुलिस थाना माता का थान जोधपुर होना मालूम हुआ, जिसके परिजन आज उपस्थित आए। इन्होंने लिखित रिपोर्ट दी, जिस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।